पक्का डरूंगी मैं इनसे, तो डर ही रही हूँ मैं, इसीलिए तो जो कर रही हूँ इनके पीछे कर रही हूँ, इनके सामने नहीं कर रही हूँ। भाभी जी आप जो बोलो। अगर आप ऐसे सोच के महाराष्ट्रियन है तो उनके रीति रिवाज जो है, तो अगर कोई नॉन महाराष्ट्रियन होगा वो करेगा तो बोलेंगे नहीं नहीं असं ना ते बराबर ना केलं, उनका आ ही जाएगा। कोई भी मोजिले हैं आप, कोई भी प्रॉब्लम दो, अरे थई जशे एमां शुं चिंता करवानो, હમણાં થઈ જશે, થઈ જશે, કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી, એકદમ એમ કહ્યું ને મોજીલા, એકદમ મસ્ત મોજીલા, જેટલી પણ ચેલેન્જીસ આવે બધું આવે આમ હસતા હસતા પાર કરી નાખવાની, એ છે તો મજા ક્યાં છે અસલ ગુજરાતી। હમકો કભી કભી સુનાતે કે યે ડાયલોગ આપને બોલા, તો હમ સોચતી યે કોનસી સિરિયલ મે બોલા થા, મગર ઉનકો યાદ હોતા હૈ આપને ક્યા પહેનાવા આપકા થા, ક્યા વો સબ કુછ ઉનકો હૈ, ઉનકે લિયે એક એન્ટરટેનમેન્ટ હૈ। और शूट पे जाना है, नहीं अरे शूट पे जाना है, बैग पैक करो चलो, स्ट्रगल कम हो गई है हमारी। हाँ। तो बा कितनी बदल गई है क्योंकि सालों से हम बा को देख रहे हैं। बा कैसे बदल सकती है, जो उनकी सोच है वो जनरेशन के साथ में, जनरेशन बदल सकता है, बा नहीं बदलती है इस सीरियल में। बा की सोच तो वही है, जो उसे कहना है उसे करना है वो तो करती है। हाँ वो दिखाती नहीं है कि वो कितनी इमोशनल है, मगर उसका स्वभाव जो पत्थर की तरह है वो पत्थर बन के तो रहेगी। आप कम ही होता है किसी से डरें ऑन स्क्रीन। इनसे डरेंगी? पक्का डरूंगी मैं इनसे, तो डर ही रही हूँ मैं, इसीलिए तो जो कर रही हूँ इनके पीछे कर रही हूँ, इनके सामने नहीं कर रही हूँ। इनके सामने तो ये मेरी भाभी है, जो है उनके पीछे वो सुरियाड़ी है। एक जैसे पहले हमारे पहले वाली मेरी सीरियल में था कागड़ी और ये है सुरियाड़ी। सिर्फ मेरी आंखें ही है जो खाली इतना देखती है तो नीचे देख लेती है बस, और मैं उसका रिस्पेक्ट रखती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की बहन है, मगर वो भी मेरा ऐसे सामने मुंह पे तो रिस्पेक्ट रखती है, पीछे नहीं गालियाँ देती है। पर वो तो काम ही है ना मेरा, अब मुझे अपना जब काम करना है तो वो तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना। जी भाभी जी आप जो बोलो। ट्रेलर में देखा हमने कि स्वाद तो बा ही डिसाइड करेंगी, यही फ्लेवर रहने वाला जी, वो तो रहेगा ही, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगी, मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ूंगी, मगर मैं उनको बहुत अच्छे से पहचानती हूँ कि ये क्यों यहाँ पे है। जो चाबी उनको चाहिए वो पता नहीं किसे मिलेगी, मगर इनको तो मैं नहीं दूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसकी सोच क्या है। दोनों में ज्यादा सख्त कौन दिखे? सख्त ये दिखेगी। आप पीछे से? हाँ, पीछे से सख्त और बहुत ही नमकीन चटपटा कैरेक्टर है छाया का, कि गुस्सा भी करेगी और हंसेगी भी और जी हजूरी भी करेगी, पर जी हजूरी में भी एक लालच जो होता है ना, लालचीपना, वो भी आएगा। मतलब उसने से ही ये सब काम कर, मतलब ही बताई है, बहुत ही मतलब, बहुत मतलब ही बताई। नाम बड़ा यूनिक सा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात, तो एग्जैक्टली क्या होने वाला है इसमें? ये USA की बात है और गुजरात की बात है, ये दोनों को मिलाया है इसीलिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ गुजरात रखा है। गुजरात कल्चर है, जो कल्चर US में भी पला बड़ा जा रहा है तो वहाँ काफ़ी है, तो गुजराती जो US के हैं, तो ये जैसे कहानी में वो लड़की US से आती, कल्चर तो गुजरात का ही है, तो US वहाँ से आया और यहाँ का गुजरात का कल्चर, तो वो दोनों का जो मिलाप है इसलिए हमने ये दोनों मिक्स किए हैं। अच्छा, गुजराती सीरियल्स जो हैं, हिंदी सीरियल्स में गुजरात का जो कहें कि फ्लेवर है, हाँ। बहुत पहले से आप दुख किया है, और मतलब हमने, मुझे लगता है सीरियल्स की जब लत लगी थी लोगों को तो तब हमें पता चला था बा होती हैं, गुजरात में कहा जाता है, तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं और फिर जब आप एक गुजराती सीरियल करते हैं उसमें ऑथेंटिसिटी लाने में कितना चैलेंज होता है? मुझे तो बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं लगा क्योंकि लैंग्वेज भी सरल है और एक्टिंग तो एक्टिंग है ना, आप गुजराती में करो या फिर आप हिंदी में करो, परफॉर्मेंस तो वही रहने वाला है, थोड़ी भाषा बस बदल जाती है, तो मुझे तो बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है। नहीं, क्योंकि हिंदी, एज अ हिंदी ऑडियंस जब हम वो सीरियल्स देखते हैं तो हमें जितना वहाँ कल्चर दिखाया जाता है हम उतना ही समझते हैं, लेकिन जब गुजराती ऑडियंस देखेगी तो वो उस कल्चर से बहुत अच्छे से परिचित है, बातें निकालेगी, छोटी छोटी बात निकालेगी कि ये ऐसे आप ये त्यौहार मना रहे हो या चीज़ बना रहे हो, आप ये पूजा कर रहे हो,
कि ऐसे नहीं हाँ, होता है कुंभ हाँ, ऐसे रखते हैं, स्वस्तिक ऐसे निकालते हैं, वो छोटी छोटी बातें सोच लेते हैं हाँ, हिंदी में भी करते हैं मगर उन लोग को कभी कभी पता नहीं होता है तो उनकी सोच अलग हो जाए, चल जाएगा ना उसमें क्या है, मगर ऐसा नहीं होता। गुजराती में कोई भी लैंग्वेज हो अगर आप ऐसे सोचें कि महाराष्ट्रियन है तो उनके रीति रिवाज जो है, तो अगर कोई नॉन महाराष्ट्रियन होगा वो करेगा तो बोलेगी नहीं नहीं असर ना आते बराबर ना के उनका आ ही जाएगा, कोई भी होगा कोई भी भाषा का वो तो जानता है ना कि कैसे रीत रिवाज होते हैं, तो उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मगर सीरियल हो या फिल्म उसमें थोड़ा सा उन लोग एडवांटेज ले लेते हैं हाँ, तो ऑडियंस हाँ। भी जो है हमारे दर्शक हैं तो वो थोड़ा लेट गो भी कर लेते कि भाई ये सीरियल है तो आप उनको ज़्यादा छेड़ो नहीं, अगर किसी ने ज़्यादा छेड़ा तो फिर उन लोग तो हंगामा मचा देते हैं। मैं ये मानती हूँ कि गुजराती जो ये फैमिली कल्चर आया 95 से आया है और कलरफुल है, गुजराती कल्चर बहुत कलरफुल है, जैसे गुजराती है पंजाबी है राजस्थानी है कलरफुल है, ऐसे कहते हैं ना सब कलर्स इसमें है, तो लोगों को ये देखना अच्छा लगता है, उनके रीत रिवाज है त्यौहार है गाना ये वो जो को हंगामा रहता है, सो ये चीज़ें बहुत लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। असल गुजराती की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, यहीं आके मुझे वर्ड लेना, असल गुजराती, असल असल भी नहीं असल, मोजिले हैं आप कोई भी प्रॉब्लम दो अरे थई जशे माशू चिंता करो नो अमणा थई जशे, थई जशे कोई ज प्रॉब्लम नहीं, एकदम एम कहू ने मोजिला एकदम मस्त मोजिला, जेटली पण चैलेंजेस आवे बधु आवे आम हसता हसता पार करी नाखवानी, ए छे नहीं आई तो मजा क्या है, असल गुजराती। अच्छा एक चीज, सास बहू के सीरियल्स कई साल से चल रहे हैं और आज भी चल रहे हैं, मतलब मैं देखता हूं कि मेरे घर पे भी सीरियल्स के रिपीट टेलीकास्ट, जो मुझे लगता है वो सीन मैंने 100 बार 150 बार देखा होगा, मतलब वो स्टिल चल रहा है, मतलब वो पुराने पुराने सीरियल्स जो हैं वो हमारे घरों में अभी भी चल रहे हैं वो, तो वजह क्या लगती है आपको कि वो मतलब सास बहू से लोग बोर क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो कनेक्ट कर पा रहे हैं, एक एक जो किरदार निभाया गया है जो कहानी है उससे कनेक्ट कर रहे हैं कि हाँ ये मेरे साथ हुआ है या तो फिर मेरे घर में भी हुआ है, या तो इसीलिए जब जहाँ कहीं भी एक कनेक्ट होता है ना दिल से दिल का तो वहाँ पे फिर देखते ही हैं फैमिलीज का जमाना होता है, क्योंकि होता ही है फैमिली में, हर फैमिली में होता है, तो वो एक ही सीरियल को आप रिपीट में भी देखते रहेंगे, उनको डायलॉग्स भी ऐसे याद होते हैं, वो हमको कभी कभी सुनाते कि ये डायलॉग आपने बोला हाँ, तो हम सोचते हैं ये कौन सी सीरियल में बोला था, मगर उनको याद होता है आपने क्या पहनावा आपका था क्या, वो सब कुछ उनको है, उनके लिए एक एंटरटेनमेंट है, सो दे एंजॉय, चलो अच्छा ही है हमारे लिए। बदला कितना है सीरियल्स का जो क्या कहूँ कि मिजाज है काम करने का तरीका, बिकॉज आप लोग सालों से काम कर रहे हो, तो कितना चेंज आपको लगता है? बहुत चेंज हुआ है, हम आर्टिस्ट के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ अब बढ़ गई हैं, थोड़ा कंफर्ट लेवल ज़्यादा हो गया है, तो अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है ऐसे कंफर्ट लेवल में काम करना, ऐसे नहीं अरे और शूट पे जाना है, नहीं अरे शूट पे जाना है, बैग पैक करो चलो भागो, स्ट्रगल कम हो गई है हमारी हाँ। और न्यू जनरेशन के साथ में हर दफ़ा नए नए लोग आते हैं, नई जनरेशन आती है, जब से मैं काम कर रही हूँ तो अच्छा लगता है, हमें सीखने मिलता है उससे, तो हमारे में चेंज आता है, हमारे में बदलाव आता है। इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज देखा है, बिकॉज इन्होंने बिना मेकअप रूम के भी काम किया है, रास्ते पे चेयर रख के या फिर ऐसे आजू बाजू में पर्दे लगा के कपड़े बदले हैं, ये सब चीज़ें इन्होंने की है, अब जबकि अब हमें तो वैनिटी वैन मिलता है, मेकअप रूम मिलता है, तो इनके लिए बहुत ड्रास्टिक चेंज है, और मैंने सुना है से पंखा ले देते हैं, हम सबको एसी चाहिए, एसी चाहिए, अरे एसी नहीं पंखा नहीं है गर्मी, हम तो गर्मी में ऐसे मर जाते थे, और कहीं पे भी जाना सब एडजस्ट करना पड़ते, बैठने के लिए चेयर भी नहीं मिलती थी, हम नीचे बैठ जाते थे हाँ। पत्थर पे बैठ जाते थे, कुछ भी हो हमने बहुत सहा है, मगर वो हमें उसकी बरकत भी बहुत मिली है, आज ये जगह पे जो खड़े हैं उन सब चीज़ों की वजह से खड़े हैं, उम्मीद करते हैं, लेकिन एक चीज कायम रहेगी, एंटरटेनमेंट 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 एंड यूनाइटेड गुजरात में हमें बता दीजिए कब आ रहा है, बस ये सोमवार से ही है, 29 जुलाई से, सोमवार से लेके रविवार, सातों दिन जी, तो गाइस देखना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात, बहुत कलरफुल होने वाला कलर्स पर।